सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल न्यू टेक इजी में। तो आज का टॉपिक है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट और 64 बिट क्या होता है, क्या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज ले, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज नहीं ले। हम ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट यूज ले तो क्यों ले, ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट होता क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट होता क्या है, कौन सा हम यूज में ले, इसके इन सभी की बातों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल न्यू टेक इजी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि से संबंधित नए नए वीडियोज लाता रहता हूँ। अभी जो मैं भी इसमें आपको बेसिक बता रहा हूँ कि ये 64 बिट, 32 बिट, आई कोर, रैम, एसएसडी, ड्राइवर्स, ये होते क्या हैं, इनके बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज दूंगा तो आप फिर कहोगे कि ये क्यों नहीं चल रहा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर उस समय मैं आपको कह दूँ कि 64 बिट में सपोर्ट करेगा, तब आप पूछेंगे 64 बिट क्या होता है। तो मैं कहूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप कहेंगे कि हमारे में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप जान नहीं पाएंगे कि क्या होता है। फिर मैं कहूँगा कि आई कोर 7th जनरेशन में, 7th जनरेशन में ये चलेंगे, तो आप फिर पूछेंगे कि आई कोर 7th जनरेशन होती क्या है। तो इन सभी पर पहले मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इन सभी जो बेसिक है वो अच्छी तरह से जान ले, ताकि कोई भी आपको पूछे तो आप ठीक तरह से जवाब दे सके। जैसे ऊपर ऊपर से तो सभी इनको जानते हैं, पर इनकी गहराई तक मैं आपको आज लेकर जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट और 32 बिट के बारे में। चलिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 32 बिट और 64 बिट जब हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी विंडोज इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो 7 हो, विंडोज 8 हो, चाहे विंडोज 10 हो, तब हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आती है कि हमें 32 बिट यूज करें कि 64 बिट यूज करें। तब हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज करना चाहिए। तो दोस्तों पहले की मैं बात बताऊं तो मैं आपको बता दूं कि पहले बहुत से जो इंटेल कोर सोलो आया था तो उसमें 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट था, उसमें 64 बिट सपोर्ट ही नहीं था। मतलब रैम चाहे कितनी भी हो पर 32 बिट ही चलता था। उसके बाद इंटेल कोर ड्यू आया, उसमें भी 32 बिट ही सपोर्ट था। परंतु उसके बाद में जैसे नेक्स्ट जनरेशन इंटेल कोर 2 ड्यू आई, उसमें 64 बिट सपोर्ट रहा। उसके बाद में ड्यूअल कोर इंटेल एक्सियोन आया, उसमें भी 64 बिट सपोर्ट था। उसके बाद क्वाड कोर आया, उसमें भी 64 बिट सपोर्ट था। और उसके बाद में आगे की न्यू जनरेशन जितनी भी आई, कोर i3, कोर i5, कोर i7, उन सभी में ये सभी 64 बिट में थे, सभी के सभी 64 बिट सपोर्ट करते थे। अब आप पूछेंगे कि आई कोर i3 या कोर i5, कोर i7 क्या होते हैं, इनके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं, उनके बाद में आप ये वीडियो देखें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा बिट यूज ले, कौन सा नहीं ले, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आगे की। अब बात बताता हूँ कि ये 32 बिट और 64 बिट में क्या डिफरेंट होता है। तो दोस्तों पहला डिफरेंट ये होता है कि रैम का, यदि आपका कंप्यूटर सिस्टम 4 GB या उससे कम रैम का है, यदि आपका कंप्यूटर सिस्टम 4 GB या कम रैम का है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 32 GB का, 32 बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में ले, 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपने कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप में डालें या इंस्टॉल करें। क्योंकि दोस्तों क्या होगा कि यदि आप 4 GB तक आपकी रैम हो और आप उसमें 64 बिट इंस्टॉल कर तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद हैंगिंग इश्यू आता है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में, वो बहुत ही स्लो वर्क करता है, डेटा शेयर तो और भी स्लो करता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट डेटा शेयर पर पड़ता है, क्योंकि ये रैम से रिलेटेड ही है सारे बिट्स। क्योंकि ये प्रोसेसर में 32 बिट आ तो जाते हैं परंतु ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाते फिर। और दूसरी बात मैं बता दूं, यदि आपका कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप 64 बिट का है, तो मैं बता दूं कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप में रैम जो है वो 6 GB से अबव होनी चाहिए, 6 GB, 8 GB, इस 4 GB से अबव होनी चाहिए, 6 GB, 8 GB होनी चाहिए, तो आप उसमें विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट यूज ले सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट यदि हम 4 GB वाले रैम वाले में डाले तो वो हैंगिंग इश्यू देता है, परंतु तो यदि हम ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट 4 GB से ज्यादा वाले में 32 बिट डाले तो क्या होगा। दोस्तों 32 बिट से 32 बिट वाला आप
4 GB से अधिक रैम वाले में डाल तो लेंगे, लेकिन आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम उतना ही वर्क करेगा, उतनी ही स्पीड से वर्क करेगा जितना कि 4 GB रैम वाला पीसी कर रहा है, भले ही फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम की रैम जो है 4 GB से अबव हो, लेकिन वर्क वो उतना ही करेगा जितना कि 4 GB का वाला करता है। मतलब जो 32 बिट है 4 GB ही आपकी रैम को यूज लेगा, बाकी यूज में नहीं लेगा। तो अगर यदि आप 64 GB उसमें 64 बिट वाला यूज लेते हैं तो वो आपको अनलिमिटेड रैम सपोर्ट करेगा, आप अनलिमिटेड रैम उसमें सपोर्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आगे की कि हम 64 बिट और 32 बिट क्यों यूज में लेते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं बता दूं कि यदि आप 32 बिट ले रहे हो और 64 बिट ले रहे हो, इनके क्या फायदे होते हैं। तो 32 बिट वाले को कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि आप जब भी कंप्यूटर इंटरनेट से कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जैसे VLC मीडिया प्लेयर, नॉर्मल सॉफ्टवेयर से MS वर्ड है, 2007 MS वर्ड, 2003, ये जो है जो कि काफ़ी ओल्ड वर्जन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आपको 32 बिट और 64 बिट दोनों में मिल जाएंगे, और लगभग सॉफ्टवेयर सारे 32 बिट या 64 बिट दोनों में मिल जाते हैं। तो आप 32 बिट का इंस्टॉल करिए यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है, लेकिन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो 64 बिट का यूज कीजिए, इससे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से वर्क करेगा। अब बात करते हैं कि 32 बिट और 64 बिट में कौन सा सही रहता है। तो मैं बता दूं कि आप 64 बिट का इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये फायदा होगा कि जो हाई डेफिनेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कोरेल ड्रॉ हुआ, फोटोशॉप हुआ, पिनाकल स्टूडियो हुआ, एड्यूज हुआ, इसके अतिरिक्त साइबरलिंक हुआ, ये जो हाई सॉफ्टवेयर है वो आपके 32 बिट में अच्छे से सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि आप इंस्टॉल तो कर लेंगे फोटोशॉप को, लेकिन वो ठीक से वर्क नहीं करेगा। हाँ, फोटोशॉप का जो ओल्ड वर्जन है वो जरूर इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन जो कोरल ड्रो वगैरह पिनाकल स्टूडियो वो इंस्टॉल भी नहीं होंगे। तो आपको उसके लिए 64 बिट चाहिए होगा। यदि इंस्टॉल हो भी जाते हैं तो वो ठीक से वर्क नहीं करेंगे, बहुत ही हैंगिंग इशू आएगा, फिर आप सोचेंगे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप में वायरस आ गया है, परंतु ऐसा नहीं होता। अब आगे की बात करते हैं कि आप कैसे पता करें कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, सॉरी, आपके कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है फिलहाल। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास रिक्वायरमेंट मांगता है कि हम 64 बिट करें या 32 बिट, लेकिन यदि आपके में पहले से डला हुआ है तो उसका कैसे पता करें, उसके बारे में बताऊंगा आपको। आप सबसे पहले यदि विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो वहां पर ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप पर दिस पीसी का। यदि 7 और 8 यूज कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन आएगा माई कंप्यूटर या दिस पीसी का ऑप्शन आएगा, तो आप उस पर क्लिक कीजिए, राइट बटन क्लिक करेंगे यानी ऑप्शन बटन को क्लिक कीजिए, और लास्ट जो ऑप्शन है प्रॉपर्टीज, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम की जो रैम है वो भी बता देगा, और जो प्रोसेसर नंबर है वो भी बता देगा, प्रोडक्ट नंबर है वो भी बता देगा, सीरियल नंबर है वो भी बता देगा, और वो भी बता देगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है। जब आप नीचे जाएंगे तो ये आप बता देगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है, तो जो 32 बिट का होगा तो वो 32 बिट का बता देगा, यदि 64 बिट का है तो 64 बिट का बता देगा। तो ये थी दोस्तों जानकारी 32 बिट और 64 बिट की क्या होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नया सीखने के लिए। तो तैयार रहेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपको सजेशन और देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।